हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ YouTube का अपडेट्स लेके आया हूँ। क्योंकि मेरे चैनल में तो एकदम मतलब कुछ प्रोडक्ट के रिव्यू वगैरह बहुत सारे दिन यूज़ करने के बाद मैं देता हूँ और कुछ कुछ टेक्निकल नॉलेज वगैरह रहता है, लेकिन आज मैं आपको YouTube का अपडेट क्यों देने वाला हूँ। दोस्तों, आप अगर एक यूट्यूबर है या आप एक चैनल खोलना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब में आए दिन नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए तभी आप थंबनेल डाल सकते हैं। एक नए चैनल के लिए थंबनेल बहुत बड़ा चीज़ होता है ग्रो होने के लिए, लेकिन आपको अगर नए चैनल में थंबनेल ही नहीं मिलेगा तो आप ग्रो कैसे करोगे। तो आपको हमेशा YouTube के नए नए पॉलिसी को लेके अपडेट रहना पड़ेगा, तभी आप अपने एक नए चैनल को बेहतर ढंग से ग्रो कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको मैं YouTube का रिसेंटली कुछ अपडेट निकला है उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला अपडेट है, जैसे कि आपके पास दो या तीन चैनल, जैसे कि कोई कोई लोग ऐसा करते हैं एक मेन चैनल रहता है साथ साथ एक ब्लॉगिंग चैनल या कुछ और चैनल चलाते हैं, तो अपने दूसरे चैनल को प्रमोट करने के लिए पहले क्या होता था कि आप अपने मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालते थे। लेकिन आप अभी ऐसा कर सकते हो कि अपने जो दूसरे चैनल है उसको @ डाल के अपने मेन चैनल के वीडियो टाइटल में आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर कुछ कुछ बड़े यूट्यूबर हैं जिनके कोलैबोरेशन के बाद दूसरे यूट्यूबर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते थे, लेकिन अब वो सीधा अपने टाइटल में उनके चैनल का लिंक डाल सकते हैं @ डाल के। तो @ के बाद जिनका भी चैनल का नाम होगा उसको क्लिक करेंगे तो उनके चैनल में डायरेक्ट आपको रिडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कुछ कुछ फॉल्स लोग या स्पैम लोग क्या करेंगे, आपसे पैसा लेंगे कि हमको इतना पैसा दो हम आपके चैनल को प्रमोट कर देंगे, हम अपने चैनल पे आपको टैग कर देंगे। तो वो पैसा लेने के बाद आपको ब्लॉक कर देंगे और आपको नहीं पहचानेंगे उसके बाद, तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो इससे बच के रहिए, आप पहले पता कीजिए कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो एक जेन्युइन पर्सन है कि नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है कम्युनिटी टैब को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप अगर एक नए यूट्यूबर है और आपका चैनल नया नया है तो आपको कम्युनिटी टैब नहीं मिलने वाला, लेकिन आपका चैनल अगर ग्रो कर चुका है तो आपको ये कम्युनिटी टैब मिल जाता है। तो कम्युनिटी टैब पर क्या होता था कि हम फोटो वगैरह पोस्ट करते थे उसके ऊपर हम अपने वीडियो का लिंक डाल देते थे, लेकिन अब आप ऐसा कर सकते हैं अपने पुराने वीडियो को सीधा आप अपने कम्युनिटी टैब में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, कम्युनिटी टैब एक बहुत बड़ा चीज़ है। आप अगर हफ्ते हफ्ते में वीडियो डाल रहे हैं तो अपने कम्युनिटी टैब में अपने रिसेंट वीडियो को बार बार दो तीन बार पोस्ट करिए। आज के डेट में यूट्यूब में कम्युनिटी टैब का पोस्ट बहुत ज़्यादा रीच देता है आपको, तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप अपने कम्युनिटी टैब पर एक्टिव रहिए। और यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा अपडेट कम्युनिटी टैब को लेके है, आपने कम्युनिटी टैब में जो शेयर किया उससे आपको कितने व्यूज मिले हैं, उसका शेयरिंग कहाँ कहाँ पे हुआ, उसका रीच कहाँ तक गया है। तो आप जो भी यूट्यूब में पोस्ट करते थे आप अपने वीडियो के एनालिटिक्स को देख पाते थे सिर्फ, लेकिन यहाँ पे आप जो स्टोरी पोस्ट करेंगे उसका एनालिटिक्स भी यूट्यूब आपके साथ शेयर करेगा। दोस्तों, और चौथा सबसे बड़ा अपडेट है, आप बहुत मेहनत करके एक पोस्ट डालते हैं, कुछ दिन वो वीडियो चलता है, दो तीन दिन बाद उस पोस्ट का रीच कम हो जाता है या वीडियो का रीच कम हो जाता है, वो वीडियो का व्यूज गिर जाता है। तो आपको यहाँ पे पता नहीं चल पाता कि वीडियो का रीच कैसे कम हो गया, वीडियो का व्यूज कैसे कम हो गया। तो यहाँ पे YouTube आपको क्रिएटर स्टूडियो बीटा में आपको एक रेस्ट्रिक्शन टैब देगा जिसके अंदर आप पता कर सकते हैं कि आपका वीडियो किस कारण से नहीं चल रहा है या आपके वीडियो का व्यूज किस कारण से कम हो गया है। जैसे कि कभी कभी YouTube के एल्गोरिथम में एज रेस्ट्रिक्शन हो जाता है या कोई आपके वीडियो को रिपोर्ट कर देते हैं या किसी कंट्री में वो वीडियो नहीं चलता, तो ये सब का एनालिटिक्स आप रेस्ट्रिक्शन टैब में देख पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे पांचवा सबसे बड़ा अपडेट है रीड ओनली परमिशन। जैसे कि आप चार पांच लोगों का ग्रुप है जो वीडियो बनाते हैं और एक ही चैनल है, लेकिन आप एक मेन पर्सन है जो नहीं चाहते कि दूसरे पर्सन लोग मेरे चैनल के साथ कोई छेड़खानी करे, तो उनके लिए रीड ओनली परमिशन होता है जो कि आपके चैनल का एनालिटिक्स देख सकते हैं, सब देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, वीडियो को एडिट नहीं कर पाएगा, कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर पाएगा, तो आपके वीडियो का एनालिटिक्स सिर्फ देख पाएगा वो। तो मेरा मानना है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। कभी कभी कुछ लोग कुछ कुछ वीडियो देखकर क्या करते हैं कि मैं अपने चैनल में इस चीज़ को अप्लाई कर दूँ, उस चीज़ को अप्लाई कर दूँ, तो उससे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इस सबसे बचने के लिए जो मेन पर्सन है जिसके पास उस चैनल की ऑथोरिटी है, तो उसके पास ऑथोरिटी रहेगी आफ्टर पोस्ट, उस वीडियो में क्या एडिट करना चाहता है, क्या क्या उसमें फेरबदल करना चाहता है, उसी के पास इसका परमिशन बस रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे छठवां अपडेट है, आप किसी के चैनल में जाके वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, आप उस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, इसके लिए आपको वीडियो के नीचे देखना पड़ता था, लेकिन अभी वीडियो के ऊपर ही आपको दिखेगा लाल टैब में कि वो चैनल आपका सब्सक्राइब है या नहीं है।
इससे जो क्रिएटर है उनको थोड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं वीडियो को देखने के बाद वो भूल जाते हैं कि मेरे को सब्सक्राइब करना है या कुछ ऐसे करना है, तो उनके सामने एनी टाइम सब्सक्राइब का बटन रहेगा तो वो एटलीस्ट सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सातवां और सबसे बड़ा अपडेट, कोई भी ऐसा चैनल जो दूसरे चैनल के वीडियोस को अपने वीडियोस में दिखाता है, मतलब जैसे कि 10 ट्रिक्स या कुछ ऐसे टाइप से 10 लाइफ हैक्स या 10 टाइप्स ऑफ DIY ऐसा कुछ भी दिखाते हैं, तो यहाँ पे वो पर्सन किसी भी चैनल का वीडियो 5 सेकंड के लिए यूज कर सकता है, जिसके लिए उसको कोई कॉपीराइट या स्ट्राइक नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे कुछ बड़े बड़े चैनल है जिनको इससे दिक्कत होता था, अब उनका ये इश्यू रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन दोस्तों याद रखना सिर्फ 5 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मेन कुछ अपडेट थे जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा आई थिंक। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके लिए रोज रोज ऐसे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज लाते रहता हूँ, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।